Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बच्चों का प्रोग्राम देखा और अब हम हमारे चीफ गेस्ट का वेलकम कर रहे हैं. हमारे चीफ गेस्ट मोहम्मद अली शब्बीर साहेब, एमएलसी आंध्र प्रदेश एंड एक्स मिनिस्टर मुस्लिम माइनॉरिटीज एंड उर्दू एकेडमी एंड वक्फ बोर्ड. हम उनको वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में. प्लीज मेक वे फॉर हिम. वी ऑल्सो रिक्वेस्ट आर अदर गेस्ट सैयद अख्तर साहेब, प्लीज कम. प्लीज तो मोहम्मद शब्बीर अली साहेब आ चुके हैं. ही इज द एमएलसी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ही इज एक्स मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज वेलफेयर वक्फ and Urdu Academy. I also welcome Sayyid Akhtar Zaheb, who is the chairman of SA Infrastructure. Please come on the stage, sir. Mr. Sukesh Gupta, chairman MBS Dwellers. Please come on the stage, sir. Mr. Sukesh Gupta. Sheikh Nohera, CEO of the Hira Group of Companies, is welcoming the guest with a bouquet of flowers. Clap, clap, clap. Let us all welcome our guest. Then our next guest is Muhammad Mushtaq Khan, Chairman, Topaz Minerals Private Limited. Mr. Mohsin Khan, son of Mr. A.K. Khan, Chairman APRTC. Muhammad Ilyas Sahib, who is the son of Shabbir Ali Sahib. We heartily welcome you to this function. Now I request Ismail Bhai to please give the shawl to our chief guest Muhammad Ali Shabbir Sahib. I request Ismail Bhai to please honor Sayyid Akhtar Sahib, Chairman of SA Infrastructure, with a shawl. Then I request Ismail Bhai to felicitate Mr. Sukesh Gupta, Chairman of MBS Dwellers. I request Ismail Bhai to felicitate Muhammad Mushtaq Khan, Chairman of Topaz Minerals Private Limited. Then please give a shawl to Mohsin Khan, son of Mr. A.K. Khan, Chairman APRTC. And I request, last but not the least, Mr. Muhammad Ilyas Sahib, son of Shabbir Sahib. Thank you very much. Jazakallahu khair for spending some time for us, taking out some time. I would request Ismail Bhai to felicitate Mr. Mohsin Khan, son of Mr. A.K. Khan, Chairman, APRTC. Jazakallah for taking out time from your busy schedule to come here and see
our students perform. A little introduction about our madrasa. हमारे मदरसे के बारे में सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 14वां सालाना जंग फंक्शन है हमारा, जलसा 14वां है माशाल्लाह। और जो है, और ये मदरसा सिर्फ 6 बच्चियों के साथ शुरू हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 300 से ज्यादा बच्चियां पढ़ती हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर करीबन 1000 की जगह हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हमारे चीफ गेस्ट के बारे में, हमारे चीफ गेस्ट साहब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलमानों के लिए बहुत इन्होंने काम किया है। पूरे इंडिया में ये सबसे पहले वाहिद ऐसे मिनिस्टर हुए हैं माइनॉरिटीज के। इन्होंने पूरे इंडिया में सबसे पहले मुसलमान के रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आंध्र प्रदेश एक सा पहला स्टेट है जहां पे मुस्लिम्स के लिए 5% रिजर्वेशन रखा गया। अब ये रिजर्वेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसकी वजह से हमारे हमारे मुसलमानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलमानों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो एक्सेट्रा 5% रिजर्वेशन और ऑल्सो जॉब्स में रिजर्वेशन। अब मैं चाहती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि मोहम्मद अली शफीर साहब जो है आज हमारे बीच में है और हम जानते हैं कि बहुत मसरूफ हैं, हम उनका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे लेकिन हम चाहेंगे कि वो कुछ हमारे बच्चों का छोटी सी झलक हमारे बच्चों के परफॉर्मेंस की देख लें। हम ज्यादा वक्त उनका इंशाल्लाह नहीं लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पहले कि हमारी तालिबा हसीना और राहिला आकर 99 नेम्स ऑफ अल्लाह नशीद सुनाए। राहिला और हसीना प्लीज कम ऑन द स्टेज। Oh,
जज़ाकल्लाह खैर हसीना और राहिला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे मदरसे में बच्चियों को अलग अलग लैंग्वेजेस में तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को सिखाते हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो लाइव इंटरनेट के ऊपर देखा जा रहा है, hiralive.com पे। अल्हम्दुलिल्लाह 136 कंट्रीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये प्रोग्राम अभी लोग लाइव देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुभानहू तआला ने टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे लिए कितना आसान कर दिया कि जो लोग यहाँ पर हैं आज उनके रिश्तेदार उनका प्रोग्राम जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया के किसी भी कोने में हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में तकरीर बच्चियों को सिखाई जाती है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अर्शिया बिन इस्माइल से कि वो आके अरबी में अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रईसतुल हफलतिल मुबारका व असातिज़तिल अजिल्ला المستمعات لأريد أن ألقي أمامكن آداب السلام في الإسلام. يا أخوات الكريمات، السلام في أهله أهمية بالغة في الإسلام وله فضل عظيم، لذا أريد أن ألقي أمامكن عن آدابه وفضله. يا أخوات الكريمات، السلام في الأصل اللغة السلامة، يقال سلم يسلم سلام وسلامة، ومنه قيل للجنة دار السلام. السلام اصطلاحا قال ابن حجر رحمه الله المراد من إفشاء السلام نشره سرا أو جهرا، أو هو نشر السلام بين الناس يحي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخرا أدعو الله تعالى أن يوفقنا جميعا نشر أفش السلام من نعرفه ومن لا نعرفه. آمين. تقبل يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. क्योंकि हमारे मेहमान के पास बहुत कम वक्त है इसीलिए हमने जो है बहुत शॉर्ट में तकरीर बच्चों से कहा है कि अपनी तकरीरों को शॉर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है उर्दू में तकरीर करेंगी फसीहा मोहम्मद इब्राहिम। इनका मौजू है रिस्क खाते हुए रज़्ज़ाक को भूल गए। अम्मा बाद, मैं सबसे पहले उस अल्लाह सुभानहु तआला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हम तमाम को अशरफुल मखलूकात में से पैदा किया। लाखों मरतबा दरूद व सलाम का नुज़ूल हो उस आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने लाखों तकालीफें बर्दाश्त करके हम तक सही दिन को पहुँचाया। اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم। आज इस अजीम शान इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है रिस्क खाते हुए रज़्ज़ाक को भूल गए। अल्लाह सुभान व तआला का बे इंतहा रहम व करम है कि उसने हम इंसानों पर बड़ा एहसान किया और हमें इतनी नियमतें दी हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते और शुमार नहीं कर सकते, बल्कि बहुत से नियमतें तो ऐसी हैं इंसानों को उसकी खबर भी नहीं है। अल्लाह सुभान व तआला सुने ने आयत नंबर 18 में फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहा तअद्दु निअमतुल्लाहि नक़्सुहा। अगर अल्लाह तआला की नियमतों को गिनना चाहे तो तुम नहीं गिन सकोगे। उन नियमतों में से एक नियमत रिस्क है, रिस्क में हर किस्म